रहीम अस्सलाम व्यूअर्स, के हाल चाल कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबके लिए दुआ हूँ, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और सबके दस्तरखान भरे रहें। एज यूजुअल मैं जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का लंच। तो आज आप देख रहे होंगे मैं आज बना रही हूँ जी सफ़ेद लोबिया, ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिया क्योंकि आवाज़ आपको डिस्टर्ब करती है। लोबिया भीगा हुआ पानी निकाल दिया और ये इसमें मैंने डाले हैं जी दो बड़े साइज़ के थे टमाटर, ठीक है जी। दो बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाली, सॉरी टमाटर तीन अदर है, ठीक है। प्याज मीडियम ही थी बल्कि, ठीक है जी। दो प्याज डाली है मैंने क्योंकि प्याज बहुत महंगी भी होगी और तीन अदर ये टमाटर है फिर नॉर्मल साइज़ के होते हैं और मीडियम से। और फिर ये मैंने डाला है नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक है। धनिया पाउडर है इसमें 1 टीस्पून और इसमें नमक गया है जी 1 टीस्पून लेवल और जी इसमें रेड चिली पाउडर मैं तो 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ और फिर जी अदरक पाउडर लहसुन पाउडर जो है दोनों है वो 1/2 टीस्पून है, ठीक है जी। और ये देखिए हमने ये डाल दिया मसाला, प्याज ब्राउन हुआ है हमने इसमें मसाला डाल दिया। अच्छा से मसाले को भुनेंगे फिर हम लोबिया डालेंगे। अच्छा जी अब जैसे ही ये मसाला जो है भुना जाता है थोड़ा, ठीक है जी। तो हम इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के मसाला भून ये लोबिया डाल देंगे, ठीक है जी। तो हमें लोबिया डालते हैं ख्याल रखकर। अच्छा लोबिया डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और कवर कर देंगे थोड़ी देर बाद। फिर पानी डालेगा उसको खूब अच्छी तरीके से भून के फिर इसमें हमने दोबारा से मतलब 2-4 चम्मच चला कर फिर इसमें हमने शोरबा कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी ज़बरदस्त हमारा ये सफ़ेद लोबिया जो बिल्कुल रेडी है जी। अब हम इसको बॉयल राइस करेंगे और बॉयल राइस के साथ खाएंगे, बहुत ही लजीज है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, जेन में नहीं रहा कि आपके साथ शेयर करें वीडियो, ठीक है जी। तो हम जब इसको बॉयल करेंगे राइस तो फिर खाएंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी आपको इसके सही लुक जब प्लेटर में डालेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल आपको दिखा दिया हमने, ठीक है जी। जी हमारे जी आज का लंच रेडी है, हमने थाली सजा ली अपने पड़ोसी मुल्क की तरह, पड़ोस लिए थालियाँ, ठीक है जी। उसे हम लोग खाते नहीं हैं, पाकिस्तान में आपको पता है डोंगों में डाल लेते हैं या फिर ऊपर डाल लेते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में इस तरह खाया जाता थालियों में रख रख के इस तरह डाल डाल के एक एक को आगे रखती हैं खवातीन और खड़ी रहती हैं, ठीक है जी। तो मैं ना खड़ी हो रही हूँ तो ना मैं पड़ोस में, मैंने अपने लिए आज डाल लिया जल्दी से। ये मेरा सफ़ेद लोबिया है, बहुत टेस्टी है, बहुत ताकत वाला है और गोश्त के बराबर इसमें ताकत मिलती है, ठीक है जी। तो ये ज़रूर दिया करें बच्चों को, लाल लोबिया सफ़ेद लोबिया। बच्चों की आवाज़ को इग्नोर करें, ये गली से बच्चों की आवाज़ें आ रही है, मेरा कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल ये आपने खाना है और फिर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करें कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है जी। ओके जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल के लंच में क्या होगा वो भी शेयर करेंगे। तो मैं ये शेयर करती हूँ आपके लिए, इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोगों को, ये मेरी ही रेसिपी बहुत ही आला और सबसे बेस्ट है। हर बंदे की हर घर की एक अलग अलग रेसिपी होती है, हर खातून की, ठीक है जी। इसलिए आप लोग चेक जरूर कर लिया करें कि मे बी कि किसी की रेसिपी ऐसी हो कि मतलब वो झटपट बन जाए, कम टाइम में बन जाए, मतलब ड्यूरेशन कम ले वो बनने में। और प्लस ये भी होता है कि मिनिमम स्पाइसेस में बनने वाली मेरी रेसिपीज़ होती हैं और मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसी हैं जो हर घर में बन सकती हैं आसानी से। ये चीज़ नहीं है उसके बगैर बना लें, वो चीज़ नहीं है उसके बगैर बना लें। अब ये तो नहीं मैं कहूँगी कि सफ़ेद लोबिया नहीं है लेकिन आप उसके बगैर सफ़ेद लोबिया बना लें, नहीं जी नहीं, सफ़ेद लोबिया का होना ज़रूरी है अगर आपने सफ़ेद लोबिया बनाना है, ठीक है जी। तो चलो जी ज़्यादा बातें नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा खाना हो रहा है ठंडा, गर्म कहने लगी थी ठंडा हो रहा है, मैं चलती हूँ खाना खाने। ओके जी अल्लाह हाफिज़।